आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बोलूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो मेनली मैं यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन तरह के रिएक्शन पढ़ता हूं। नंबर वन इज एडिशन रिएक्शन, नंबर वन इज एडिशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज, नंबर टू इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड द थर्ड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इन तीन रिएक्शंस की हेल्प से हम लोग काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे। देखो, मैं बात करूं एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शोज करते हैं? शोन बाय दोज कंपाउंड्स विच हैविंग पाई बॉन्ड्स, है ना, वो कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास पाई बॉन्ड्स होंगे। तो शोन बाय दोज कंपाउंड्स विच हैविंग पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन और कार्बन एंड हेट्रो एटम, कार्बन एंड हेट्रो एटम, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन कौन सा कंपाउंड शो करेंगे? वो कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास पाई बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन कार्बन और कार्बन हेट्रो एटम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एडिशन रिएक्शन कितने तरह की होंगी, तो एडिशन रिएक्शन होंगी तीन तरह की। सबसे पहली होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं और नाम बोलते जाऊंगा, अगर आपको नाम नहीं पता तो आप उसको कंप्लीटली लिखते जाओगे। तो फर्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को रिएक्शन को कौन शो करेगा? एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूंगा तो ये शो करेंगे एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। फ्री रेडिकल रिएक्शन को भी कौन शो करते हैं? एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कौन शो करेंगे? इसको शो करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसको शो करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में इंक्लूड है एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो हम लोग मेनली एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तीन तरह की होगी। सबसे पहले होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी आप दो तरह की रिएक्शन पढ़ोगे, एक SN1 और दूसरी पढ़ोगे बेटा SN2। सेकेंड रिएक्शन आप पढ़ोगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड द थर्ड एंड द लास्ट रिएक्शन यू विल स्टडी इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करते हैं? तो मेनली हम लोग बात करेंगे एल्किल हैलाइड के बारे में, जो हमारी एनसीईआरटी में है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी इसको शो करते हैं। फ्री रेडिकल एल्कोहल भी शो करेगा, है ना, एल्कोहल भी शो करेगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की बात करूं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मेनली शो करेंगे एल्केन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मेनली शो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको शो करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। देन थर्ड रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम दो तरह की पढ़ेंगे, E1 एंड सेकेंड वन इज E2, इन दो रिएक्शन को पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड भी शो करते हैं, अल्कोहल भी शो करते हैं और भी अदर कंपाउंड शो करते हैं। तो जब हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करती है, आपस में एक दूसरे को कंपीट करती है, यानी आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेगी, कॉम्पिटिशन करेगी। तो वहां पर हम रिएजेंट के बेसिस पर चेक करेंगे, रिएजेंट उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में देखेंगे
और वहां से डिसाइड करेंगे कि किन रिएक्शंस में है सब्स्टिट्यूशन होगा और किसमें एलिमिनेशन होगा। ठीक है, जैसे एल्किल हैलाइड है उसमें सब्स्टिट्यूशन भी होगा एलिमिनेशन भी होगा, एल्कोहल है उसमें सब्स्टिट्यूशन भी होगा एलिमिनेशन भी होगा। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रिएजेंट के ऊपर। तो इसको हम लोग वहां कवर अप करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की, जिसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कौन शो करते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स शोस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम दोनों के लिए एक साथ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शोर बाय एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ H2, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HX, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ X2, फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HOX, फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वॉटर एंड सिक्स्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड द लास्ट रिएक्शन विच वी विल स्टडी इज ऑक्सीमर्केशन डीमर्केशन रिएक्शन। द लास्ट रिएक्शन इज ऑक्सीमर्केशन डीमर्केशन रिएक्शन। तो हमको ये रिएक्शंस पढ़नी है यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बात करते हैं। तो इसको नोट कर लो, देन कुछ बेसिक बात करेंगे, फिर इनको पढ़ेंगे। चलो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूं और उसके मैकेनिज्म की बात करूं, तो सबसे पहले अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, तो देखो मैं आपको एल्कीन और एल्काइन दोनों का मैकेनिज्म एक साथ बताऊंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं एल्कीन, सबसे पहले मैंने ली एल्कीन। देखो रिएक्शन का नाम ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, याद रखना रिएक्शन का नाम ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी सबसे पहले एडिशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो मैं यहां पर एक रिएजेंट ले रहा हूं जिसमें मेरा इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज एंड न्यूक्लियोफाइल साथ में न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। एक बात और, बहुत से ऐसे रिएजेंट होंगे जिसमें खाली इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा, बहुत से ऐसे रिएजेंट होंगे जिनमें न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, और बहुत से ऐसे रिएजेंट भी होते हैं जिनमें बोथ आर प्रेजेंट। तो मैं एक ऐसा रिएजेंट ले रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है। तो अब देखो जैसे ही इस बोर्ड को यहां पे शिफ्ट करूंगा, आप यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, मैंने इस तरफ कर लिया, जहां बॉन्ड शिफ्ट होता है वहां आता है बेटा नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ बॉन्ड आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो जिस कार्बन पे बॉन्ड जाएगा उस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और जिसके ऊपर से बॉन्ड हटाए उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब रिएक्शन का नाम ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर, नेगेटिव पार्ट पर, ऑब्वियस है। पॉजिटिव किसके पास अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, और आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बन पॉजिटिव सी, और यहां पर ऐड हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। देखो आपका क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, आपका फॉर्म हुआ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और ये कौन सा कार्बोकैटायन है, दिस इज 2° कार्बोकैटायन, दिस इज 2°। अगर मैं एक को H मान लेता हूं, ठीक है, सपोज दैट दिस इज H, दिस इज R, दैट इज H एंड R, दैट मींस दिस इज 2° कार्बोकैटायन। अब फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, हमेशा याद रखो जिस स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
यानी इसी स्टेप से हम लोग रिएक्शन की स्पीड को बता सकते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड जो कौन सी स्टेप होगी, फास्ट स्टेप होगी। फास्ट स्टेप में क्या होगा, अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, एंड आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, आपका ये कंपाउंड फॉर्म्ड हो गया। तो आपके पास आई दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, फास्ट स्टेप है, क्यों, क्योंकि अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो आप लोग अटैक करा दोगे किसका, न्यूक्लियोफाइल का, और आपका ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड ये थी एल्कीन के लिए, अगर मैं बात करता हूं फॉर एल्काइन, तो देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये आपका एल्काइन। अगर मैं एल्काइन में अटैक कराऊंगा ई पॉजिटिव एन यू नेगेटिव, तो एल्काइन इज ऑल्सो पोलर, तो देखो बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, और फिर से पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा बेटा नेगेटिव पार्ट पर, और आपका कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बन पॉजिटिव डबल बॉन्ड। देखो एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो दो बॉन्ड रह गए बस, है ना, और कार्बन यहां पर आगे जुड़ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, और आपका ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब भी देखो आपके पास इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यहां पे एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं इसको, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, और ये भी क्या है, 2° कार्बोकैटायन है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थी क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच इज अ फास्ट स्टेप, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर, और कंपाउंड क्या बनेगा, आर सी एन यू डबल बॉन्ड सी इलेक्ट्रोफाइल, और आपका इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ये था बेसिक मैकेनिज्म जो आपको पूरी की पूरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यूज करना है। तो मैंने एक बार बता दिया ताकि एक बार आपको एक जनरल व्यू हो जाए, ठीक है, आप जनरली इसको समझ जाओ। आगे बढ़ते हैं, मुझसे क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, एग्जामिनर मुझसे क्वेश्चन जनरेट करेगा, बताओ बिटवीन एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, बिटवीन एल्कीन्स एंड एल्काइन्स विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्कीन होगी या एल्काइन? तो देखो मैं आपको बताता हूं कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। भाई देखो दोनों में तो इंटरमीडिएट 2° कार्बोकैटायन बन रहा है, दोनों में तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, 2° कार्बोकैटायन बन रहा है, दैट मींस सर दोनों इक्वली रिएक्टिव होंगे। लेकिन देखो हमने एक रूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जब मैं आपको जीओसी पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा। जीओसी स्टैंड फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो हमने एक रूल पढ़ा है कि पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल। हमने एक रूल पढ़ा है पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतने ज्यादा लेस स्टेबल होगा। देखो एल्काइन का जो कार्बन है वो है sp हाइब्रिडाइज्ड, जबकि एल्कीन का जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो एल्काइन है, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25, जबकि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 2.75। दैट मींस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये क्या है, लेस स्टेबल है। जब ये लेस स्टेबल है इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्कीन्स होंगी। दैट मींस एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्काइन्स। तो मैं इसको लिख देता हूं, आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा, आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर लो फिर मैं यहां पे लिख देता हूं। तो हम यहां पे लिखते हैं, देखो इस चीज को नोट डाल के लिखते हैं कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, नोट डाल के लिखते हैं एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव
towards electrophilic addition reaction than alkyne. तो alkenes जो है वो ज्यादा reactive होती है than alkyne से towards electrophilic addition reaction. बहुत आसान सी चीज है, सबको क्लियर हो गई. अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं कि मैं आपको तीन कंपाउंड दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड थर्ड वन इज CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2. और मैंने बोला दिस इज कंपाउंड नंबर फर्स्ट, दिस इज कंपाउंड नंबर सेकेंड एंड दिस इज कंपाउंड नंबर थर्ड. Which one is more reactive towards electrophilic addition reaction? Question लिख देते हैं. Which one is more reactive towards electrophilic addition reaction? Electrophilic addition के लिए सबसे ज्यादा reactive क्या होगा? तो देखो, जब मैं यहां से double bond हटाऊंगा तो यहां negative और यहां positive. तो यहां बन रहा है 1 डिग्री कार्बो कैटायन. जब मैं यहां से बॉन्ड यहां शिफ्ट कर रहा हूं, यहां पॉजिटिव बन रहा है, तो ये बन रहा है 2 डिग्री कार्बो कैटायन. और जब मैं बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पर बेटा फॉर्मेशन हो रहा है 3 डिग्री कार्बो कैटायन. और आप सबको पता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बो कैटायन का क्या होगा. सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बो कैटायन, देन 2 डिग्री कार्बो कैटायन, देन 1 डिग्री कार्बो कैटायन होगा. दूसरी चीज, जिस सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो सबस्ट्रेट उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो देखो, इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है? थर्ड का. तो इसका मतलब ये सबस्ट्रेट क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. दोबारा बोल रहा हूं, जिस सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो सबस्ट्रेट उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? थर्ड. देन कौन होगा? सेकेंड. देन कौन होगा? फर्स्ट. अब एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं जहां पे मैं आपको दे रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक और दे रहा हूं CL CH2 डबल बॉन्ड CL CH डबल बॉन्ड CH2 और थर्ड इज NO2 CH डबल बॉन्ड CH2. अब आपको बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल या सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो देखो, ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव. ये बॉन्ड भी शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव. और ये बॉन्ड भी शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव. हर जगह पर बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही हो रहा है. हर जगह पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन का ही फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसका मतलब तो तीनों के तीनों इक्वल रिएक्टिव होने चाहिए. लेकिन हमारे पास देखो, यहां पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि यहां पर क्लोरीन प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और NO2 प्रेजेंट है जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. अब आपको हमेशा याद रखना कि स्टेबिलिटी जो होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के. यानी जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी. ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी. तो देखो, यहां पर मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देकर चार्ज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है. लेकिन क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. और NO2 और क्लोरीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? NO2. NO2 इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन क्लोरीन. तो ये क्या करेगा? और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और सबसे कम स्टेबल इसको कर देगा. ठीक है, दैट मींस जो सबसे कम स्टेबल है, यानी सबसे लेस स्टेबल है, और ये क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी मोर स्टेबल. तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सबसे कम स्टेबल है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा. ठीक है, दोबारा से कह रहा हूं, हम लोग इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में हमेशा रिएक्टिविटी ऑर्डर को चेक करते हैं. तो आप इसको नोट कर लो और इसको भूलना मत कभी कि स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव. अब एक चीज हो, कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर मैंने पॉजिटिव चार्ज से क्यों देखा,
मैंने नेगेटिव चार्ज से क्यों नहीं देखी स्टेबिलिटी? तो यार इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बेनायन नहीं बन रहा, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है वहां तो आके इलेक्ट्रोफाइल अपने आप जुड़ जाता है, तो इंटरमीडिएट तो कौन रहता है? कार्बोकैटायन रहता है भाई, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो फटाफट